वीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहेब बंदगी जब से सभा में उपस्थित हुआ हूं प्रेम की ही बात चल रही है और प्रेम पर साहेब ने ऐसा लगाम कसा है कि कुछ कहते नहीं बन रहा है। जिस साहेब ने जिसे हम अपना सत्पुरुष मानते हैं सद्गुरु मानते हैं या एक ही पुरुष मानते हैं बाकी हम सब तो उनकी नारी। कर्नल साहब ने कहा बाजा बाजे रहित का पड़ा नगर में शोर सद्गुरु खसम कबीर है मुहे नजर ना आवे। और हम सबके खसम तो वही हैं, हम सबके पिया तो वही हैं, हम सब तो उनकी नारी। उनके लिए हमारे हृदय में अगाध प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को शब्दों में व्यक्त करें कैसे। जिस प्रेम को हमारे सद्गुरु शब्दों से व्यक्त नहीं कर सके उसे हम कैसे व्यक्त करें। लगाम यहीं कस गई। अकत कहानी प्रेम का कहता कहां न जाए गुंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। जिस प्रेम की कहानी को हमारे सद्गुरु नहीं कह सके उस प्रेम की चर्चा मैं आप लोगों से कैसे करूं किन शब्दों में करूं। जब से बैठा हूं तब से प्रयास कर रहा हूं कुछ कहूं लेकिन विषय ही छिड़ गया प्रेम का तो बार बार ठिठक जाता हूं। प्रेम को शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकता लेकिन प्रेम के व्यवहार पर थोड़ी चर्चा जरूर कर सकता हूं। थोड़ी सी चर्चा ज्यादा नहीं कर सकता व्यवहार पर। अभी कुछ दिन पहले की बात है तकरीबन 15 दिन पहले की बात है हमारे रायपुर नगर में पुस्तक मेला लगा हुआ था। राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला था। देश की विभिन्न क्षेत्रों से बड़े बड़े प्रकाशन केंद्रों ने अपने स्टॉल वहां लगाए हुए थे बुक स्टॉल लगाए हुए थे। छोटी बड़ी मोटी पुस्तकों से पूरा पुस्तक मेला भरा हुआ था। मैं हमारे संस्था के जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर वर्मा जी उनके साथ घूमता फिरता हुआ पुस्तक मेले में पहुंच गया। पूरा पुस्तक मेला घूमकर देखा एक दो और साथी हमारे साथ थे। घूमते हुए मैंने उनसे चर्चा की कि उस पुस्तक मेले में हमें भी अपना एक स्टॉल लगाना था। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा जरूर लगाना था
हमारे संस्था से भी काफी ग्रंथ साहित्य प्रकाशित होते हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं, हम पुस्तक मेला में स्टॉल अगर लगाते तो वहां सदगुरु की केवल एक ही साखी एक ही दोहा हम लिखकर टांग देते हैं। पोथी पड़पड़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उस पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लगता तो हम बस एक साखी एक दोहा लिखकर बुक स्टॉल पे लटका देते और मूल्य नीचे लिख देते, प्रेम न बाड़ी उपजो प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहे रुचे शीस दे ले जाए। ये प्रेम का मूल्य, प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। प्रेम पर दोहे साखी साहब ने बहुत कहे, लेकिन कहते कहते अंत में उन्होंने यही कहा कि अकत कहानी प्रेम का, कहता कहा न जाए, गुंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। प्रेम की जुबान नहीं होती, जब हृदय में प्रेम जागता है तो उसे शब्दों से नहीं कहा जाता है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, इश्क की हकीकत निगाहों से बयां होती है। और जब हृदय में प्रेम जागता है तो लाख छुपाओ छुप नहीं सकता। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा भी है प्यार और सुगंध प्रेम और खुशबू छुपाए नहीं छुपता, इश्क और मुस्क छुपन्ना छुप दे चाहे लाख छुपाए। इश्क है सच्ची रब्दे रहमत, इश्क से क्यों घबराई। प्रेम छुपाए ना छुपे, इसी बात को साहब कह रहे हैं, प्रेम छुपाए न छुपे जा घट प्रगट होए। जो मुख से कछु ना कहे तो नयन दियो है रोए। प्रेम छुपाए न छुपे जा घट प्रगट होए। जो मुख से ना कहे तो नयन दियो है रोए। मुख से आप ना कहें तो ये हकीकत निगाहें बयां कर देती है, नजरें बता देती है। तो प्रेम का जाग जाना सद्गुरु के प्रति, सत्पुरुष के प्रति, हमारे लिए जीव के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देता है। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पियू, पियू जगावे जीव को, वही जीव वही पियू। प्रेम जब जागता है हृदय में तो अपने साथ विरह भी जगाता है। विरह जब जागता है तो मिलन की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जिसके प्रति हमारा प्रेम जागता है उससे मिलने को हम तड़पने लगते हैं, और जब तक उससे ना मिल जाए हमारी यह तड़प मिटती नहीं है।
तो प्रेम ही जीव के लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है। लेकिन प्रेम का जागना और सच पूछे तो प्रेम तो जागा हुआ ही है, अनुराग तो हमारे अंदर है, लेकिन जो बातें मैंने कल कही बात वही है। किसके प्रति? जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होता है, अनुराग होता है, हम उसी की तरफ ही दौड़ते हैं, उसके तरफ ही दौड़ते हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागता है, हमारा सारा ध्यान वहीं ठहरता है, हमारी सुरती वहीं टिकती है, वहीं रमती है। जाकी जहां सुरती रमी तिसका तहां विश्राम, भावय माया मोह में भावय आत्म राम। भा जाने की बात, प्रेम हो जाने की बात, जिससे प्रेम हो गया हमारा ध्यान वहीं लग जाता है, हमारी सुरती वहीं टिक जाती है, और जहां हमारा ध्यान लग गया हमारी सुरती टिक गई, फिर वहीं हम रम जाते हैं। अब भावय आत्म राम में भावय, भावय माया मोह में भावय आत्म राम, ये बड़ी लौकिक बात है, आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। जिससे प्रेम हो जाता है उसकी छवि हर क्षण हमारे ध्यान में रहती है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, वही नजर आता है जिससे हमें प्रेम है। भोजन के लिए बैठेंगे तो रोटी में उसी की सूरत नजर आएगी जिससे हमें प्रेम है। ये बड़ी लौकिक बात है, सबके अनुभव की बात है। वृक्षों में, पेड़ों में, पौधों में, फूल पत्तों में, नदी पहाड़ में, कहीं भी जाएं, जो है सामने वो नजर नहीं आएगा। हर स्थान पर प्रेमी की छवि नजर आएगी जिससे हम प्रेम करते हैं। तो सुरती वहीं ठहरती है, जहां हमारा मन लगा या जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम जागा हो। संसार के प्रति प्रेम जागता है तो संसार को पाने के लिए हम तड़पते हैं। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगाता है प्रेम। संसार के लिए प्रेम जागता है, संसार को पाने के लिए हम तड़पते हैं, विरह में तड़पते हैं। हमारी दूरी कैसे खत्म हो? किसी वस्तु के प्रति प्रेम जाग जाए कि ये कार मुझे मिल जाए, ये मोटर गाड़ी मुझे मिल जाए, बड़ी सुंदर कार है, किसी कार को देखकर हम आकर्षित हो गए, उसके लिए हमारे मन में मोह जाग गया, प्रेम जाग गया, तो ये कार, ये गाड़ी मुझे कैसे प्राप्त हो, ये मुझे कैसे मिले, हम तड़पने लगते हैं उसे पाने के लिए, उससे दूरी सही नहीं जाती, ये विरह है। और हमारी तरफ तभी शांत होती है जब वो गाड़ी हमें प्राप्त हो जाती है। विरह की पीड़ा से बढ़कर दुनिया में और कोई पीड़ा नहीं है।
आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का या उनके जीवन का एक प्रसंग सुना होगा। उनकी पत्नी थी रत्नावर, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावर। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ पाते थे, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। एक बार उनकी पत्नी मायका चली गई, अपने पिता के घर चली गई। कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में विराम इतने दीवाने हो गए तुलसीदास जी कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल की ओर दौड़ पड़े। जिस स्थिति में थे, जिस अवस्था में थे, घर से निकलकर दौड़ पड़े। भादों का महीना था, बीच में नदी पड़ती थी और इतनी बरसात हो रही थी, ऊपर से रात का समय। कहा जाता है नदी में कूद गए, उफनती नदी में कूद गए। हाथ पैर मारने लगे, सहारा कुछ भी ना मिला। ऐसा उल्लेख है कि एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, उस मुर्दे को उन्होंने पकड़ लिया, मुर्दे पे बैठकर उन्होंने नदी पार कर ली। नदी पार कर भागते दौड़ते अपने ससुराल में पहुंचे। अब ऐसा भी कहा गया है, अटारी पर एक सर्प लटक रहा था, दरवाजा तो बंद था, बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, दरवाजा खटखटाए भी तो कौन सुने, कौन खोले। कहते अटारी पे एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़कर अटारी पे चढ़ गए। और सीधे अपनी पत्नी रत्नाबाई के कमरे में चले गए। उनकी पत्नी अवाक रह गई, इतना दीवाना, इतना बावला प्रेम में, इतना पागलपन, उफनती नदी मुर्दे में बैठकर पार कर गया, सांप पकड़कर अटारी पे चढ़ गया। रत्नाबाई ने सिर्फ इतना कहा, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, इतना प्रेम अगर तुमने राम से किया होता, तुम कब के राम से मिल गए होते। कहते उसी क्षण तुलसीदास जी उल्टे पैर वापस आ गए। ये शब्द की चोट थी, व्यवहारिक दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कोई भी रहे हों, लेकिन राम से मिलाने वाला सदगुरु उनकी पत्नी ही थी। मेरे विचार से, ये मेरा अपना विचार है, शब्द की चोट रत्नाबाई ने तुलसीदास के हृदय में मारी। जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, इतना प्रेम अगर राम से करते, तो कब के तुम्हें राम मिल गए होते, तुम राम तक पहुंच गए होते। तो यही तो चाह, और जहां चाह है वहां राह है, और जहां चाह ही ना हो वहां सभी रास्ते खुले हो तो भी व्यर्थ है, और चाह हो सभी रास्ते बंद हो फिर भी रास्ता बन जाता है। चाहने वाला रास्ता बना लेता है, एक व्यक्ति एक संत के पीछे पड़ गया,
मुझे प्रभु तक पहुंचने की राह बताओ, दया करो, कृपा करो। संत जी मुस्कुराकर टाल देते थे, काफी दिन हो गए। उस व्यक्ति की बेचैनी बढ़ती गई। प्रतिदिन सुबह शाम वह व्यक्ति संत जी के पास जाता, अर्ज लगाता, मुझे प्रभु तक पहुंचने की राह बताओ, उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ। संत जी हमेशा की तरह मुस्कुराकर टाल जाते। कुछ दिनों में उस व्यक्ति का पागलपन इतना बढ़ गया, 24 घंटे संत जी के पीछे लगा रहता था। जहां संत जी जाते पीछे पीछे वो चलता, जहां रुकते सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। मुझे प्रभु मिलन का उपाय बताओ, प्रभु तक पहुंचने का राह बताओ। फिर भी संत जी मुस्कुराकर टाल जाते, फिर अपने रास्ते चलते, वह व्यक्ति फिर पीछे चलता। कई महीने गुजर गए। एक दिन संत जी नदी में सुबह सुबह स्नान कर रहे थे, हद हो गई, वह व्यक्ति भी नदी में उतर गया। कमर भर पानी में संत जी खड़े थे, स्नान कर रहे थे, वहां पहुंचकर बोलता है, मुझे प्रभु तक पहुंचने की राह बताओ। संत जी ने उसका गर्दन पकड़ा, पानी के नीचे दबा दिया। महात्मा जी ने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ी और पानी के नीचे दबा दी। जैसे ही व्यक्ति पानी के नीचे गया, उसकी सांस बंद हो गई, तड़पने लगा। मिनट, डेढ़ मिनट, करीब 2 मिनट होने को आए, व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई कि अब श्वास ना मिला तो प्राण पखेरु गए। उस व्यक्ति ने जोर से उचाटा मारा, संत जी दूर जाकर गिरे। व्यक्ति पानी से बाहर निकला, सांस लिया, हाँफता हुआ सांस लिया, अपने श्वासा को ठीक किया। संत जी चुपचाप उठे, अपना कमंडल पकड़े, कपड़ा लत्ता उठाए, चलने लग गए। हाँफता हुआ वह व्यक्ति फिर पीछे लग गया। कहने लगा, बाबा आज तो मार ही डाले थे, अब तो दया करके बता दो, प्रभु तक पहुंचने का क्या मार्ग है, क्या उपाय। संत जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गए, कुटिया में पहुंचे, भोजन किया, आराम करने लग गए। लेकिन उस रात संत जी आराम से नहीं बैठे। जब संत जी सो गए, उस व्यक्ति की कुटिया भी बाजू में थी, गरीब आदमी था, झोपड़ी थी, घास फूस की झोपड़ी, कच्चा मकान था। संत जी उस व्यक्ति के घर के सामने गए, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगाई, चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क दिया, घासलेट डाल दिया और आग लगा दी। व्यक्ति अंदर सोया हुआ है। जब घर जलने लगा, गर्मी पहुंची तो उसकी नींद खुल गई, नींद से जागा, देखा अरे घर में तो आग लग गई। दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाजा खींचा, दरवाजा बाहर से बंद, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, खिड़की भी नहीं, अब क्या किया जाए। वह सोचा, बैठा रहा तो जल के मर जाऊंगा, कैसे करूं, दरवाजा भी बाहर से बंद, पूरा घर जलने लग गया था, अब एक मिनट भी रुका तो गया, जलकर जिंदा ही जल जाऊंगा। एक किनारे गया, दौड़ते हुए दीवार पे धक्का मारा, दीवार फोड़कर बाहर निकल गया। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे, बस्ती में आग लगी थी, सारे लोग पानी डाल रहे थे, आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा जी भी एक तरफ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। व्यक्ति को शंका हो गई, ये आग लगी, ये लगाई गई, क्योंकि बीड़ी सिगरेट तो मैं पीता नहीं,
आज सुबह भी इसने मुझे मारने का प्रयास किया था, नदी में डुबा दिया था। हो ना हो ये करतूत इस संत महात्मा की ही हो। जाकर कहने लगा, बाबा जी मुझे आप पर पूरा शक है, ये आग लगी नहीं लगाई गई है। तो बाबा जी ने कहा, संत जी ने तेरा शक बिल्कुल ठीक है, ये आग लगी नहीं लगाई गई और मैंने लगाई। तो आपने क्यों लगाई? तू मुझसे पूछ रहा था और कब से पूछ रहा है? महीनों बीत गए, सोते जागते उठते बैठे थे, नहाते धोते खाते पीते, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक ही बात, प्रभु तक पहुंचने का क्या मार्ग है? मुझे उपाय बताओ, रास्ता बताओ। मैंने बता दिया, तूने पूछा इसीलिए मैंने बताया। व्यक्ति कहने लगा, क्या खाक बताए, एक मिनट भी ठहर जाता तो जिंदा जल जाता था। महात्मा जी ने कहा, इस समझदार के लिए सारा काफी है। इशारा तो मैंने तुझे सुबह भी दिया था, जब नदी में पानी के अंदर डाला था। महात्मा जी ने कहा, बेटा तेरे अंदर जीने की चाह थी, तुझे अपने जीवन से प्रेम था, इसलिए पानी के अंदर जब मैंने तुझे दबाया और कस के दबाया, इतना दबाया कि तेरे ऊपर मैं बैठा हुआ था, लेकिन तू मरना नहीं चाहता, तुझे जीवन से प्रेम था, तू जीना चाहता था, तेरे अंदर जीने की चाह थी और चाह थी तो तूने जीने की राह भी बना ली। तूने मुझे ऐसा फेंका, अभी तक मेरा कमर दुख रहा है, तब भी तू नहीं समझा। अभी मैंने तेरे झोपड़े में आग लगाई, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तुझे जीवन से प्रेम है, जीने की चाह है, चाह है, इसलिए तूने राह भी बना लिया। जहां चाह वहां राह, घर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, फिर भी तूने रास्ता बना लिया। फिर तो क्यों मुझसे बार बार पूछ रहा है, रोज रोज पूछ रहा है, प्रभु तक पहुंचने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है, क्या राह? पूछने का मतलब ही यही है। कि सिर्फ तू दिखावा कर रहा है, तू नाटक कर रहा है कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, ईश्वर तक पहुंचना चाहता हूं, प्रभु तक पहुंचना चाहता हूं। जिसके अंदर चाह होती है वो किसी से पूछता नहीं। जब घर में आग लगी और तुमने घर को सब तरफ से बंद पाया, उस वक्त तुमने कोई ग्रंथ साहित्य नहीं खोला, तुमने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया कि जलते हुए घर से बाहर निकलने का इसमें क्या मार्ग बताया, क्या उपाय बताया गया है। तब तुमने ये नहीं सोचा कि आज तक किसी संत ने, किसी महात्मा ने मुझे यह शिक्षा नहीं दी कि घर में आग लगे और सब तरफ दरवाजा खिड़की सब बंद हो तो जलते हुए घर से बाहर कैसे निकला जाए, यह भी तुमने विचार नहीं किया होगा। घर में आग लग गई, तुम्हें पता चला और यह पता चला कि अब कोई रास्ता नहीं निकलने का, तो तुम दीवार तोड़कर बाहर निकले, तुमने खुद रास्ता बना लिया। लेकिन जब तुम्हें प्रभु तक पहुंचना है तो तुम ग्रंथ साहित्य खोलते हो कि उस तक पहुंचने का क्या मार्ग, क्या उपाय बताया गया है इस ग्रंथ में। तुम संत ढूंढते हो, गुरु ढूंढते हो कि गुरु मुझे बताएंगे कि प्रभु तक पहुंचने का क्या मार्ग, संत हमें बताएंगे कि प्रभु तक पहुंचने का क्या मार्ग है, क्या उपाय। प्रेम ही उपाय है, और क्या उपाय। जहां चाह वहां राह।
जीने की चाह थी, जीवन से प्रेम था, तो जीने के लिए उसने दो बार रास्ता बना लिया। अगर सच में प्रभु से प्रेम हो जाए फिर हम पूछते नहीं फिरेंगे कि उस तक पहुंचने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। फिर उस तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे और पहुंच कर रहेंगे, राह हम खुद बनाएंगे, पूछेंगे नहीं। और जो पूछते फिरते हैं वो लोग ढोंगी पाखंडी, वो नाटक कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम की कीमत ही राजा प्रजा जही रुच शीश दे ले जाए, लेकिन जिसे शीश अर्थात अहंकार, अहंकार अहम का जो भाव है, मैं जब तक मैं नहीं मिटूंगा, मैं अपने को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं सच्चा प्रेमी हो ही नहीं सकता, प्रेम मुझे प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो जो नाटकबाज लोग हैं वो रास्ता पूछते हैं, मार्ग पूछते हैं, क्योंकि वो प्रेम का मोल चुका नहीं सकते। और प्रेम प्याला वो पिए जो शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस ना दे सके, नाम प्रेम का ले। वो केवल नाम लेता है प्रेम का, वो नाटक करता है, लेकिन अपने शीश को, अपने अहंकार को, मैं के भाव को मिटाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होती, या मैं को कायम रखने का लोभ वह छोड़ नहीं पाता। अपने अहम को कायम रखने का मोह वह छोड़ नहीं पाता और नाम प्रेम का लेता रहता है। और जब तक मैं ना मिटे, तब तक वो मिलेगा कैसे जिससे हमें प्रेम। प्रेमी को पाने की शर्त ही यही, कीमत ही यही कि मैं को मिटा दो। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि उसमें दो की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां एक ही रह सकता है। मैं था तब हरी नहीं, हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समय। मैं था तब हरी नहीं, हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समय। प्रेम की गली में दो के चलने की जगह ही नहीं। इस हिसाब से प्रेम मैं को, अहंकार को समाप्त करने का सबसे प्यारा उपाय है। और सच में प्रेम हो जाए तो मैं रहता कहां है? फिर तो वही रहता है जिससे प्रेम होता है, हर घड़ी हर क्षण वही रहता है। दूसरा और कुछ भी नहीं रह जाता। एक बार एक लड़की किसी के प्रेम में दीवानी हो गई, इतनी दीवानी थी जब भी उसका प्रेमी पुकार लगाता वो पागलों की भांति उससे मिलने दौड़ पड़ती थी। एक दिन की बात, एक मुल्ला जी, नमाज का वक्त था, चादर बिछाकर
गांव में चादर बिछाकर खेत में काम कर रहे थे और जब नमाज का वक्त होता है तो मुसलमान जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, नमाज अदा करने बैठ जाते हैं। नमाज का वक्त हुआ था, खेत में थे, खेत में ही चादर बिछाकर बैठ गए, नमाज अदा कर रहे थे। और प्रेम की मारी, प्रेम की दीवानी, वह लड़की अपनी प्रेमी की आवाज सुनकर उससे मिलने दौड़ी चली जा रही थी, भागी चली जा रही थी। और इतनी मस्त थी प्रेम में कि वो मुल्ला जी के चादर को रौंदते हुए निकल गई थी। मुल्ला जी ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, लेकिन तब तक वो लड़की निकल गई थी। मुल्ला जी वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद वह लड़की अपने प्रेमी से मिलकर वापस लौटी तो मुल्ला जी ने उसे पकड़ लिया, खूब डांट पिलाया। तो लड़की ने कहा कि मुल्ला जी आप नाराज क्यों होते हैं, मुझे डांटते क्यों हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। मुल्ला जी ने कहा गलती क्या है पूछती है, मैं इतना बड़ा 5 फुट का आदमी यहां चादर बिछाकर नमाज अदा कर रहा हूं और तू भागी चली जा रही है, तू बावली है कि अंधी है, तुझे दिखाई भी नहीं पड़ा, तू मेरे चादर से मेरे सामने मुझे धकेलते हुए निकल गई। तो लड़की ने कहा सच में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने आपको देखा भी नहीं, देखा नहीं तो जाकर अपने आंखों का इलाज करा। तो लड़की ने कहा मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, फिर तूने मुझे देखा क्यों नहीं। उसने कहा मैं तो अपने प्रेमी की पुकार में मस्त थी, मुझे तो बस मेरा प्रेमी ही नजर आ रहा था, उसके अलावा कोई दूसरा मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपको कब धक्का मारा, आपका चादर कब रौंदा, मेरे ध्यान में तो एक ही था, मेरा प्रेमी, उसी की छवि थी और मैं उससे मिलने के लिए भागी जा रही थी। फिर लड़की ने जवाब किया, पलट कर जवाब किया, और आप कह रहे हैं कि आप नमाज के लिए बैठे थे। हां मैं नमाज कर रहा था, मतलब आप अपने मालिक को याद कर रहे थे। हां मैं अपने मालिक को याद कर रहा था, फिर आपने मुझे कैसे पहचान लिया, कैसे देख लिया। जब आप अपने आप मालिक के ध्यान में लगे थे और मैं आपके सामने से गुजरी और आपने मुझे देख भी लिया और पहचान भी लिया, इसका मतलब आपका ध्यान मालिक में नहीं था, मेरी तरफ था। फिर तुम्हारे प्रेम से तो मेरा प्रेम बेहतर है। मैं भी अपने दिल के मालिक के पास मिलने भाग रही थी, तब तो मुझे उसके अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आया, ना आप नजर आए ना आपका चादर नजर आया, लेकिन आप भी अपने मालिक के ध्यान में थे तो आपने मुझे कैसे देख लिया, कैसे पहचान लिया, मतलब आपके हृदय में अपने मालिक के प्रति सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम हो तो प्रेमी के अलावा दूसरा कुछ नजर ही नहीं आएगा, यहां तक खुद की सुध नहीं रहेगी, मैं मिट जाता है, मैं मिटे तो ही प्रेम आपको मिले। लेकिन लोभी जो हैं ये मैं को मिटा नहीं पाते, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले, इसलिए लौकिक प्रेम में संसारिक जो प्रेम होता है, संसार के जो प्रेमी हैं उनके साथ बड़ी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं।
अक्सर जो संसार के प्रेमी हैं वो रोते गाते आपको मिलेंगे, दुखी आपको मिलेंगे, उनसे पूछा जाए आप दुखी क्यों रोते क्यों, तो वो कहते मुझे फलां से प्रेम हो गया। प्रेम हो गया ये तो खुशी की बात है, आंसू बह रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन खुशी के आंसू, आनंद के आंसू, प्रेम में तो आनंद मिलता है, आप दुखी क्यों हो रहे। मुझे उससे प्रेम हो गया है लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। भाई आप प्रेम करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि वो आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप उससे प्रेम नहीं करते बल्कि उसका प्रेम आप पाना चाहते हो। यहां आपके अंदर आकांक्षा है, इच्छा है, स्वार्थ है। स्वार्थी मनुष्य को दुखी करती, इच्छाएं ही हमें दुखी करती। हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम प्रसन्न होते हैं, हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हम दुखी होते हैं। संसारिक प्रेम में जो प्रेमी होते हैं बहुत दम भरते हैं कि मैं फलां से प्रेम करता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस वो एक बार मुझसे कह दे कि वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैं करता हूं। ये क्या शर्त हुई? कोई शर्त नहीं होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। एक किसी शायर ने कहा है, शर्तों पे लोग प्रेम करते हैं कि वो मुझसे प्रेम करे, बदले में प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करता हूं तो वो मुझसे प्रेम करे। क्यों, कोई जरूरी? आप प्रेम करते हैं आप करो, जिंदगी भर करो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये शर्त क्यों लगा रहे हैं कि वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करे जितना मैं उससे प्रेम करता हूं? फिर तो ये सौदेबाजी हो गई। इसका मतलब आप उससे प्रेम नहीं करते, आप उसका प्रेम पाना चाहते हो और उससे प्रेम भरने का दम इसलिए भर रहे हो ताकि वो भी अपने प्रेम का इजहार करे। एक तरह से तो ये दाना डालना हुआ। अब जो बार बार कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, एक तरह से ये दाना डालना हुआ। जैसे शिकारी करते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल डाल के उसमें दाना डाल देते हैं, दाना चुगने पक्षी बैठ जाती है और जाल में फंस जाती है। फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कहना एक तरह से दाना डालना ही हुआ। कोई हमसे प्रेम करे तो हम उससे दूर भाग कैसे सकते हैं? संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि हमें प्यार मिले, प्रेम मिले, स्नेह मिले, कोई हमें स्नेह करने वाला मिले, प्रेम करने वाला मिले, तो हम उससे दूर भागेंगे क्यों? कोई हमें नफरत करने वाला मिले, कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला मिले, कोई हमसे द्वेष रखने वाला मिले, तो हम उससे कतराते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन जब हमें कोई प्रेम करने वाला मिले तो उसका प्रेम पाने के लिए हम उसके और करीब जाते हैं। हर इंसान संसार में प्रेम पाना चाहता है और सबसे प्रेम पाना चाहता है। तो जब कोई प्रेम के दाने हमारे लिए डालता है तो हम स्वाभाविकता उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, उस प्रेम के दाने को चुगने के लिए। लेकिन यहां स्थिति यह होती है,
हमें लगता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है और हम पर प्रेम बरसा रहा है और हमें उससे प्रेम मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा प्रेम पाने के लिए सामने वाला तड़प रहा है। और हमारा प्रेम पाने के लिए वो अपना प्रेम डाल रहा है। मैं इसे प्रेम दूं तो वो भी मुझे प्रेम दे, ये प्रेम नहीं हुआ, ये तो सौदेबाजी हो गई। मैंने तुम्हें प्रेम दिया तो बदले में तुम मुझे प्रेम दो, कोई जरूरी नहीं। प्रेम में मैं रह ही नहीं जाता तो अपने लिए प्रेम पाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो स्वार्थ लेकर प्रेम करते हैं संसार में वही दुखी रहते हैं। और ये नाटक, वो लोभी है, वो शीश दक्षिणा नहीं दे सकता। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले, वो सिर्फ नाम प्रेम का लेता है। लेकिन मैं को नहीं मिटा सकता, ये बात उसके हृदय में नहीं आ सकती। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी कि जीने दे चाहे तू मार डाले। जिससे प्रेम हो गया उसके हवाले सब कुछ कर दो अपना। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, अब तेरी मर्जी पे बात ठहरी, जीने दे चाहे मार डाले। जब सदगुरु से प्रेम हो गया और सदगुरु से प्रेम होने का दावा करते हो तो अपना सर्व समर्पित कर दो। मेरा तन मन धन और प्राण सब कुछ तेरा हुआ, और मेरा क्या, मैं ही तेरा हुआ। अब तेरी मर्जी पे बात ठहरी, अब मेरी मर्जी खत्म, मैं खत्म तो मेरी मर्जी भी खत्म। जब तक मैं हूं तब तक मेरी मर्जी है, मेरी इच्छाएं हैं। जब मैं ही नहीं रहा, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मेरे साथ मेरी सारी इच्छाएं भी खत्म, मेरी मर्जी भी खत्म। अब तो तेरी ही मर्जी, अब मेरा सब कुछ तेरे हवाले, मैं खुद तेरे हवाले। तो मैं समर्पण की बात है, मैं को मिटाने की बात है। और जब तक मैं मिटेगा नहीं, प्रेम के भाव को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, प्रेम का आनंद हम उठा नहीं पाएंगे। प्रेम का आनंद उठाना है, प्रेम का प्याला पीना है, तो मैं की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए, शीश दिए बिना प्रेम नहीं मिल सकता। और जो शीश देकर प्रेम पाता है वो प्रेम की बात कहेगा कैसी, क्योंकि मैं को मिटाकर ही तो उसने प्रेम प्राप्त किया। अब मैं मिट गया तो कहने वाला बचा कहां कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम की कहानी क्या होती। इसीलिए साहब ने कहा, अकथ कहानी प्रेम का, कहता कहां न जाए, गुंगे केरी सर कर अखाए और मुस्काए। प्रेम की कहानी अकथ है, उसे कहा नहीं जा, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। प्रेम का आनंद लिया जा सकता है, प्रेम में डूबा जा सकता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी। और जब तक लोभ है तब तक वह कीमत हम चुका नहीं सकते, लोभी नहीं चुका सकते। मैं का त्याग लोभी नहीं कर सकता। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। काम बिगाड़े भक्ति को, काम भक्ति को बिगाड़ता है।
और क्रोध बिगाड़े ज्ञान, और क्रोध ज्ञान को बिगाड़ देता है। एक क्षण का क्रोध हमारी सारी पंडिताई पानी में डुबो देता है। और लोभ बिगाड़े त्याग को, और मोह बिगाड़े ध्यान, और लोभ त्याग को बिगाड़ता है। लोभ है तो हम त्याग कर सकते नहीं, तो लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। नाम प्रेम का लेता रहता है। तो प्रेम के बारे में चर्चा करने वाले तो बहुत हैं, प्रेम का दम भरने वाले बहुत हैं, लेकिन वो सब रोते पीटते ही नजर आएंगे, आंसू बहते ही नजर आएंगे, लेकिन वो आंसू आनंद के आंसू नहीं होंगे। आंसू तो बहते हैं, निश्चित तौर पर बहते हैं। साहब ने कहा ही है, प्रेम छुपाए ना छुपे, जाघट प्रगट होए, मुख से कछु न बोलिए, पर नैन दियो बताए। मुख से भले ही ना कहो, लेकिन आंखें बता देती। और दोनों तरह के प्रेमी आंसू बहाते हैं। जो सच्चे प्रेम में डूबा हो वो आनंद के आंसू बहाता है, और जो नौटंकी बाज है उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो दुख में आंसू बहाता है। दोनों सरीखे ही लगते हैं, भेद करना बहुत मुश्किल है। भेद इसी से किया जा सकता है, जो सच्चा प्रेमी है वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके जीवन में चाहना नहीं होती, क्योंकि वो तो मिट चुका। जब वो मिट चुका तो उसके जीवन में चाहना क्या हो। और जो नाटकबाज है वो कहता है मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं उससे इतना प्रेम करता हूं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देता मुझे। मैं 100 बार उससे कह चुका कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों कहे वो? ये प्रेम नहीं है, ये तो सौदेबाजी है। तो सीधी सी बात है, तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम उससे प्रेम चाहते हो, और जहां चाह है वहां स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां तो दुख ही दुख है, कष्ट है। तो आनंद तो प्रेम में है, लेकिन सच्चे प्रेम में है। मैं को मिटाकर ही सच्चा प्रेम का आनंद लिया जा सकता है। और अगर प्रेम हो जाए तो उस तक पहुंचने का रास्ता अपने आप बनते जाता है, बन जाता है। तो एक बार सदगुरु के प्रति प्रेम जाग जाए, लेकिन बात वही है भाने की। अब जिसके प्रति हृदय में प्रेम उमड़ा है, अनुराग जागा है, उसी में हम लिप्त हैं, उसी में डूबे हुए, उसी के पीछे भाग रहे हैं। संसार के प्रति हमारे हृदय में अनुराग उमड़ा है, प्रेम जागा है, तो हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं उसे पाने के लिए। जिस दिन सदगुरु के प्रति प्रेम जाग जाएगा, सत्पुरुष के प्रति प्रेम जाएगा, उस दिन हम संसार का रास्ता छोड़ देंगे और सदगुरु तक पहुंचने का रास्ता पकड़ लेंगे। और रास्ता ना मिले तो हम खुद रास्ता बना लेंगे, चाह अपने आप राह बना लेगी। चाह जाग जाए, प्यास जाग जाए, प्रेम जाग जाए, बस प्रेम को जगाना है। और प्रेम हृदय में है, अनुराग है, लेकिन वो कहां लगा है इस पर आप गौर करिए। सिर्फ अनुराग के स्थान को बदलना है। प्रेम है, प्रेम पैदा नहीं किया जाता, प्रेम है, अनुराग है, लेकिन संसार में लगा हुआ, उसे हटाकर सत्पुरुष से जोड़ना है उस प्रेम को। जब उससे प्रेम जुड़ जाएगा तो उस तक हम पहुंच जाएंगे। तो प्रेम का बहुत महत्व है, महत्व है इसीलिए साहब ने पढ़ाया। साहब ने पोथी पुराण नहीं पढ़ाया, और सद्गुरु कबीर दुनिया के इकलौते ऐसे संत हैं जिनका पाठ सिर्फ 2.5 अक्षर का,
इससे छोटा पाठ संसार के किसी संत ने नहीं पढ़ाया। जिस पंथ में हम चल रहे हैं, जिस सद्गुरु के हम भक्त हैं, उस सद्गुरु ने हमें सिर्फ ढाई अक्षर का पाठ पढ़ाया, और इस ढाई अक्षर को ही जिसने पढ़ लिया वो पंडित हो गया। भले ही कोई सैकड़ों पोथी पुराण पढ़ता हो, पंडित नहीं हो सकता, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया वो पंडित हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है। और हम पोथी पुराण में लगे हुए हैं, हमारे भी बुक स्टॉल खुले हुए हैं, पचासों पुस्तकें किताबें वहां बिक रही है, और उसमें ढाई अक्षर नहीं हजारों अक्षर है। हमारा सदगुरु हमें ढाई अक्षर का पाठ पढ़ा रहा है, और हम भक्तों को इतनी मोटी मोटी किताबें दे रहे हैं, इसे पढ़ो, पढ़ने से तुम्हें भला हो, तुम्हारा भला होगा, ज्ञान मिलेगा। कहां ज्ञान मिलेगा, पोथी में ज्ञान नहीं। हर रोज एक नई किताब आ रही, अरे पहली जितनी किताबें लोग उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और रोज नई किताब आ रही। हजारों हजारों साल से किताबें लिखी जा रही हैं, लाखों किताबें संसार में होंगी, जो पहली किताबें हैं उसी को हम पढ़ नहीं पाते, और यहां हर साल हर दिन एक नई किताब आ जाती है हमारे बीच, नई पोथी आ जाती है हमारे बीच कि लोग पढ़ो इसे। सारा जीवन पोथी पढ़ने में ही गया। हमारे सदगुरु पोथी पुराण नहीं पढ़ाते, हमारे सदगुरु का पाठ तो सिर्फ ढाई अक्षर का है, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, बस ढाई अक्षर के पाठ को आप पढ़ लो, बाकी सारे पाठ बेकार हैं, व्यर्थ हैं। आपने दुनिया भर के पाठ पढ़े, लेकिन साहेब का बताया हुआ, सदगुरु के बताया हुआ ढाई अक्षर के पाठ को आपने नहीं पढ़ा, तो आपके सारे पाठ बेकार हैं, आपका सारा ज्ञान थोथा है, कुछ नहीं रखा उसके। दुनिया के पाठ आप ना पढ़े हो ना सही, किसी पुस्तक का ज्ञान आपको हो ना हो कोई हर्जा नहीं। लोग कतराते हैं, शर्माते हैं, छुपाते हैं। कोई किसी से पूछे तुम्हें अनुराग सागर का ज्ञान है, तुमने अनुराग सागर पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या कबीरपंथी हो, कबीरपंथी होकर अनुराग सागर नहीं पढ़ा? तूने बीजक पढ़ा है, बीजक का अध्ययन किया? नहीं किया। कैसा तू कबीरपंथी है, बीजक नहीं पढ़ा? जब तक बीजक नहीं पढ़ेगा तब तक तुझे सदगुरु के सच्चे सिद्धांतों को कैसा मालूम पड़ेगा, सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा? लोग शर्माते हैं, हमने पुस्तक नहीं पढ़ा, ग्रंथ नहीं पढ़ा। मत पढ़ो, कोई जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो ढाई अक्षर के पाठ में ही मिलेगा। पढ़ना है तो ढाई अक्षर के पाठ को पढ़ डालो, ये जीवन का उद्देश्य ही बना लो, लक्ष्य ही बना लो, मुझे सदगुरु के पढ़ाए हुए ढाई अक्षर के पाठ को पढ़ना है, और ढाई अक्षर का पाठ है प्रेम का पाठ। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, बस उस पाठ को पढ़ लो, हो गया काम, इससे ज्यादा और क्या कहूं। साहेब
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजे, भला बुरा सबका सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
सुनो भाई साहब, साहेब मिले सबूरी ने, साहेब मिले सबूरी ने, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो।